नमस्कार, कार्यक्रम जीवन शैली में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विश्वबंधु पांडे। दर्शकों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपने इस कार्यक्रम में जीवन शैली से जुड़े विषयों पर बातचीत करते हैं जो कहीं ना कहीं हमारी जीवन शैली को प्रभावित करते हैं और उस पर एक गहरा प्रभाव छोड़ते हैं। आज हम अपने इस कार्यक्रम में बरसात में स्वास्थ्य की देखभाल, इस विषय पर बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर वीरेंद्र सिंह चौहान, जो कि वरिष्ठ फिजिशियन हैं कोरोनेशन अस्पताल देहरादून के। सर, आपका दूरदर्शन उत्तराखंड के स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। नमस्कार डॉक्टर साहब। जैसा कि आज हम बरसात में अपने स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से करें, क्या प्रभाव हैं, और हम अपनी जीवनचर्या को, दिनचर्या को किस तरह से रखें जिससे हम बीमारियों से बच सकें। हम जानते हैं कि जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ती है, बारिश हो जाती है, और बारिश के साथ साथ में बहुत सी बीमारियां अपने पैर पसारना शुरू कर देती हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि ऋतुओं के अनुसार हमारी दिनचर्या, जीवनचर्या किस प्रकार की होनी चाहिए। जी डॉक्टर साहब, देखिए, ऐसा है, आजकल बरसात में बारिश का मौसम रहता है तो घर से बाहर नहीं निकल पाते हम। तो जो लोग मॉर्निंग वॉक करते हैं, इवनिंग वॉक करते हैं, वो संभव नहीं है। तो हम उसमें ये कर सकते हैं कि योगा, मेडिटेशन, हल्की फुल्की एक्सरसाइज घर पर कर सकते हैं। इसके अलावा जो है, हम ये ध्यान रखें कि भीगे नहीं बारिश में, और फुल आस्तीन के कपड़े पहने ताकि ये डेंगू मलेरिया वगैरह से बचा जा सके। जितने भी हम सब्जियाँ या फल खाते हैं उनको ढंग से धोएं, उसके बावजूद ही खाएं। पानी पीने का स्वच्छ हो, अगर हम पानी को उबाल के पी सकते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर उसमें पानी में अगर हम ब्लीचिंग पाउडर डाल दें या क्लोरीन की एक गोली डाल दें, एक बाल्टी में एक गोली काफ़ी होती है, तो आधे घंटे बाद वो पानी पीने लायक हो जाता है जी। तब उसको हमको फिल्टर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इस प्रकार से हम पानी से जनित बीमारियों के बचाव कर सकते हैं। बिल्कुल। और डॉक्टर साहब, बरसात में तो काफ़ी सारी बीमारियां फैल जाती हैं, लेकिन खासतौर से जो मच्छरों से जनित बीमारियां हैं, गंभीर बीमारियां हैं जी। डॉक्टर साहब, मौसमी बीमारियां जो सीजनल डिजीजेस हैं, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे। सीजनल डिजीज जो हैं, एक तो पानी की जनित बीमारियां हैं। बिल्कुल। जैसे आपका उल्टी हो गई, दस्त हो गई, सो गैस्ट्रोएंटेराइटिस बोलते हैं, कॉलरा हो गया, टाइफाइड हो गया, पीलिया हो गया जी, ये पानी से फैलने वाली बीमारी है। बाकी जो पानी होता है हमारा, जो जहाँ जमा रह जाता है घरों में, उसमें हमारा मच्छर पनपते हैं, उसमें जो है हमारा डेंगू के मच्छर पनपते हैं, मलेरिया के मच्छर पनपते हैं। तो इनसे बचाव कैसा किया जाए? बिल्कुल। अगर हम पानी को उबाल के पियेंगे या फिल्टर करके पियेंगे, क्लोरीन डाल के पियेंगे, तो हम टाइफाइड और पीलिया ऐसी बीमारियों से बच सकते हैं जी। फलों को, सब्जियों को हम बासी ना खाएं, ऐसा ना करें कि सुबह बनाया और शाम को खाया जी। ताज़ा फल, ताज़ी सब्जी खाएं। सस्ते के चक्कर में ख़राब फल ना खरीदें, ख़राब सब्जी ना खरीदें जी। उससे क्या होता है, उल्टी दस्त हो जाते हैं। दूसरा, हम अपने जब सुबह उठते हैं घर में, तो सबसे पहले अपने घर में, क्या हमको सारे मोहल्ले में अपना इंस्पेक्शन करना चाहिए जी, कहीं पानी जमा तो नहीं है, किसी टायर में पानी जमा हो, गमले में पानी जमा हो, या फ्रिज के पीछे पानी जमा रहता है, या कूलर के पीछे, या एसी के पीछे पानी जमा रहता है, जहाँ पर ये मच्छर पनपते हैं। ये हमको सामूहिक रूप से प्रयास करना पड़ेगा। जैसे एक एरिया है कोई, तो सब लोग मिलजुल करके सर्च आउट करें, कहीं पानी को जमा ना होने दें जी, कहीं पानी लीकेज हो रहा है, सीवेज का आ रहा है कहीं से, तो उसको बंद करवाएं, पानी गंदा ना आए। बिल्कुल। जो डेंगू का मच्छर होता है, ज़्यादातर स्वच्छ पानी में पनपता है, और रुके हुए पानी में, जैसे आपने गमले में हो गया, कोई टूटा हुआ टायर है, कप है, तो उससे बचा जा सकता है। दूसरा जो है, आप फुल आस्तीन के कपड़े पहनिए आप, और मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, तो आपको बचा सकते हैं डेंगू मच्छर से। और इस तरह से अगर हम एहतियात बरतते हैं तो हमारी जीवन शैली, अगर हम स्वस्थ रहना चाहते हैं, ये अत्यंत आवश्यक ये चीज़ें हैं। डॉक्टर साहब, कॉमन सिम्टम्स कौन कौन से हैं जब ये बीमारियां, जैसे कि आपने अभी जिक्र किया है, तो सिम्टम्स कौन से हैं ये हम जानना चाहेंगे। आजकल जो है डेंगू, चिकनगुनिया, टाइफाइड और पीलिया काफ़ी है जी। तो डेंगू में जो है सबसे ज़्यादा बहुत तेज़ बुखार आता है, पूरा बदन दर्द होता है, और
सिर दर्द भी होता है, इसमें वॉमिटिंग भी हो सकती है, लूज मोशन भी हो सकते हैं, पेट दर्द भी हो सकता है, आदमी का शरीर एक तरह से टूट जाता है, बोलता है सर बहुत वीकनेस बहुत आ रही है जी, तो ये मेन सिम्टम होते हैं उसके जी। इसमें चूंकि प्लाज्मा लीकेज होता है बॉडी में, जिसकी वजह से जो है उसको हाइपोटेंशन हो जाता है, तो ये जो है मुख्य है। मलेरिया में भी ऐसे ये बहुत तेज़ बुखार आता है जी, पर वो कभी कभी रोज़ बुखार नहीं आता, अल्टरनेट डे आता है। टाइफाइड जो बीमारी है वो पानी के जनित बीमारी है, जिसमें जो है आपका पहले धीरे धीरे बुखार आएगा फिर बढ़ेगा, उसमें भी आपका वॉमिटिंग, लूज मोशंस, पेन इन एब्डोमेन हो सकता है जी। पीलिया में जो है आदमी का शरीर पीला पड़ जाता है, उसमें खाने भूख मर जाती है और उल्टी का मन करता है, ये पीलिया में होता है। चिकनगुनिया भी प्रेजेंटेशन जो होता है आपका डेंगू फीवर की तरह होता है, लेकिन उसमें जॉइंट्स पेन बहुत होते हैं जी। पेशेंट परेशान हो जाता है कि सर मेरा बुखार तो ठीक हो गया लेकिन जोड़ों का दर्द ठीक नहीं हुआ जी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो इन सब का जो है बचाव बेहतर है इलाज की। बिल्कुल, इलाज में जो है आपको हम सिम्टोमेटिक इलाज देते हैं, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि इसको हम ऐसा एंटीबायोटिक दें तो उससे ठीक हो जाएगा या कोई एंटीवायरल दें उससे ठीक हो जाएगा। इसमें आपको उसका हाइड्रेशन मेंटेन रखना है और सिंपल जो है पैरासिटामोल गोली देनी है। लेकिन मेरा कहना यह है कि किसी भी पेशेंट को इस मौसम में अगर बुखार आता है तो क्वालिफाइड डॉक्टर को जरूर मिले जी, अपने आप दवाइयाँ ना खाएं। बिल्कुल, अपने आप दवाइयाँ खाने से नुकसान हो सकता है। एक होता है हमारे यहाँ डेंगू शॉक सिंड्रोम, जिसमें क्या होता है प्लाज्मा लीकेज की वजह से उसका हाइपोटेंशन हो जाता है, तो ऐसे पेशेंट को हमको भर्ती करना पड़ता है, आईवी फ्लो चलाना पड़ता है। एक डेंगू में हेमरेजिक सिंड्रोम होता है, उसमें जो है प्लेटलेट्स कम हो जाती है, प्लेटलेट्स कम होने की वजह से जो है ब्लीडिंग हो सकती है आपकी आँख से, मुँह से, नाक से, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, तो उसमें एडमिट करके प्लेटलेट्स चलाना पड़ता है। पर मेरा कहना फिर भी यह है कि डेंगू में लोग प्लेटलेट्स कम होने से बहुत डरते हैं, उसमें इतना डरने वाली बात नहीं है जी। डॉक्टर को दिखाएं, उचित उपचार करें, अपने आप देसी इलाज ना करें। बिल्कुल, कुछ लोग ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं कि भाई बकरी का दूध पीना है या गिलोय खाने हैं या पपीते के पत्ते खाने हैं, उससे क्या होता है गैस्ट्राइटिस हो जाती है, उल्टी दस्त बहुत होता है, पेट दर्द बहुत होता है, उससे स्थिति बिगड़ जाती है। तो इस तरह के उपचार न करके क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लें, उपचार बिल्कुल करें। और काफ़ी ज़रूरी है कि पहले जांच करें जी, हाँ। समुचित उपचार जो है वो किसी परामर्श किसी चिकित्सक से जरूर लें, घरेलू उपचार के साथ साथ में चिकित्सक को जरूर दिखाएं और चिकित्सक से एहतियात हो जी, हाँ। वो वायरल फीवर भी हो सकता है, डेंगू भी हो सकता है, टाइफाइड जी। डॉक्टर साहब, मच्छर जनित जो बीमारियाँ हैं हम देखते हैं कि समानांतर रूप से उनके जो सिम्टम्स हैं काफ़ी आपस में मिलते जुलते हैं, या फिर कंटेमिनेशन ऑफ वाटर या फूड के कारण से अलग बीमारियाँ हो जाती हैं, डिजीजेस हो जाती हैं। डॉक्टर साहब, क्या कारण है कि बरसात के मौसम में बीमारियां ज़्यादा असर करती हैं शरीर पर, इम्यून सिस्टम का क्या रोल इसमें रहता है, और क्यों मानव का जो शरीर है, हमारा जो शरीर है वो ज़्यादातर बीमारियों से ग्रसित होता है जब बरसात आती है या मानसून का मौसम रहता है जी। बरसात मौसम में बेसिकली जो होती है वाटर बॉर्न डिजीज ज़्यादा होती हैं जी, जिसकी इम्यूनिटी कम होती है उसको जो है ये इफ़ेक्ट करती है। और मैं समझता हूँ जो लोग स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं तो उनको ये अवॉइड करना चाहिए, और अपना ब्लड प्रेशर के पेशेंट को ब्लड प्रेशर कंट्रोल करना चाहिए, शुगर के पेशेंट को शुगर कंट्रोल करना चाहिए, गर्भवती माताएं हैं उनको विशेष ध्यान देना चाहिए कि उनको कोई डेंगू ना हो, मलेरिया ना हो जी, तो इन सबसे बचाव करना चाहिए। बिल्कुल डॉक्टर साहब, क्या हम कह सकते हैं कि जो ये मानसून आता है इसका कोई नकारात्मक प्रभाव है या डिसएडवांटेज है, ये हम जानना चाहेंगे। नकारात्मक प्रभाव यही है कि बरसात की वजह से लोग भीग जाते हैं। बिल्कुल, और दूषित पानी पीने को मिलता है जी, दूषित फल को खाने को मिलते हैं, जिसकी वजह से जो है हमको ये इन्फेक्शन हो जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, अब हम बीमारियों पर चर्चा करेंगे एक एक करके बीमारियों पर, ताकि इस कार्यक्रम के माध्यम से जो हमारे व्यूअर्स हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में भी रह रहे हैं या शहरी क्षेत्रों में हैं उनको समुचित जानकारी मिल सके और वो अपनी रोकथाम कर सकें, अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं जीवन शैली को अपना करके, यही कार्यक्रम का हमारा मकसद जी, भी है जी, जी। सबसे पहले हम मलेरिया पे आते हैं, तो मलेरिया के जो सिम्टम है हालांकि अभी आपने बताया भी है, लेकिन अब हम मलेरिया पर खासतौर से बात करते हैं, क्योंकि ये देखने को मिलता है कि मॉनसून आता है तो मलेरिया भी आ जाता है और साथ में इसके केसेस भी बढ़ जाते हैं जी। डॉक्टर साहब, मलेरिया मैंने सबसे पहले बताया कि तो पानी को इकट्ठा ना होने दें जी, साफ सफाई रखें, पानी कहीं इकट्ठा होगा तो मच्छर बन पेंगे, बिल्कुल, तो मलेरिया होगा।
मच्छरदानी का प्रयोग करें आप, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करें आप जी, फुल बाजू के कपड़े पहने आप, यही आवश्यक है मलेरिया से बचाव के लिए, मच्छरदानी का प्रयोग करें। और जो सिम्टम्स है बुखार जो ज्वर होता है वो ज्यादा होता है, तापमान का किस तरह से जो बुखार आता है मलेरिया में एकदम तेज बुखार आता है, 103 104 बुखार हो सकता है, और दो तीन तरह के होते हैं, प्लाज्मोडियम वाइवैक्स मलेरिया होता है जी, उसमें सेकेंड या थर्ड डे बुखार आता है अचानक, बीच में दो दिन गायब रहा तीसरे दिन बुखार आ गया जी, और जो प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम मलेरिया होता है उसमें लगातार बुखार आता है जी, सिम्टम यही होते हैं वायरल फीवर की तरह ही, वायरल फीवर की तरह जी। डॉक्टर साहब अब डेंगू की हम बात करेंगे, मलेरिया और डेंगू, सबसे पहले इनमें क्या डिफरेंस है, क्या अंतर इसमें है? डेंगू के केसेस हमेशा ही जब बरसात होती है जो काफ़ी केसेस बढ़ जाते हैं, काफ़ी गंभीर समस्या लोगों को आ जाती है, और जिसका अगर सही समय पर इलाज ना किया जाए तो ये जानलेवा भी हो सकता है जी। डॉक्टर साहब डेंगू जो है बेसिकली जो है एक वायरल बीमारी है, वायरल फीवर है जो मच्छर फैलाता है, और उसमें जो है बुखार बहुत तेज आता है, बदन दर्द होता है, उसमें कोई ऐसी, मैंने पहले भी बताया था कि स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है जी, कि आप ये दें सिंपल पैरास्टामोल दीजिए, अगर उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट करते हैं, वोमिटिंग होती है तो वोमिटिंग का ट्रीटमेंट करो आप, डिहाइड्रेशन हो रहा है उसको या शॉक में जा रहा है तो उसको आईवी फ्लूइड वगैरह दीजिए, तो उससे जनरली ठीक हो जाते हैं, अगर किसी को ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेटलेट्स आने पड़ती है। स्पेसिफिक ट्रीटमेंट मलेरिया का है, जहाँ बुखार की जांच कराते हैं स्लाइड में, अगर वो मलेरिया पैरासाइट पॉजिटिव आता है, उसको मलेरिया डायग्नोज होता है, तो मलेरिया की कई दवाइयाँ हैं जिसमें क्लोरोक्वीन प्रिमाक्वीन बहुत कॉमन है, मेफ्लोपिन बहुत कॉमन है, आर्टीमीथर कॉमन है, एक स्पेसिफिक दवाई दी जाती है मलेरिया की ठीक करने के लिए, वो उससे ठीक हो जाता है जी, जी। और दोनों ही बीमारियां जो ये मच्छर जनित हैं जी, और घातक भी है, चिकनगुनिया भी मच्छर जनित है जी। जी डॉक्टर साहब आपने कह ही दिया चिकनगुनिया की, अब हम बात जी, चिकनगुनिया का प्रेजेंटेशन भी एक डेंगू की तरह ही होता है जी, इसमें बहुत तेज बुखार आएगा, बदन दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा, वीकनेस आ जाएगी जी, तो इसमें भी हम जो है कोई स्पेसिफिक मेडिसिन नहीं होती है, सिर्फ बुखार का ही ट्रीटमेंट करते हैं हम। और डॉक्टर साहब ये देखा गया है कि जो चिकनगुनिया की बीमारी है, चाहे हम एशिया की बात करें, अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें, और ज़्यादातर देशों में सारे ही देशों में ये बीमारी आजकल देखने को मिलती है, बहुत ज़्यादा लोग इससे प्रभावित होते हैं जी। डॉक्टर साहब इसका जो बचाव है, देखिए ऐसा है, अगर हम पानी को जमा नहीं होने देंगे जी तो मच्छर पैदा नहीं होगा, बिल्कुल, तो मलेरिया नहीं होगा, डेंगू नहीं होगा। साफ सफाई रखेंगे अपने घर में, मोहल्ले में नालियों की सफाई रखिए आप, कहीं पानी जमा तो नहीं, इसको डेली चेकअप कीजिए जी, ब्लीचिंग पाउडर डालिए आप, कहीं अगर मान लो पानी जमा है तो उसमें आप मिट्टी का तेल डाल सकते हैं, बिल्कुल, तो उनका लार्वा प्यूपा नहीं पनपेंगे, तो मच्छर भी नहीं होगा, तो ना डेंगू होगा ना चिकनगुनिया होगा, बिल्कुल। और ये स्वास्थ्य के लिए जरूरी भी है, बहुत जरूरी, और हम अपनी जीवन शैली को अगर स्वस्थ बनाएंगे, आसपास को अच्छा साफ सुथरा रखेंगे, अच्छा खान पान रखेंगे, और तभी हम इस तरह की बीमारियों से खासतौर से बच सकते हैं जी। डॉक्टर साहब आई फ्लू की समस्या जो है वो आज के समय में काफी देखने को मिल रही है, बहुत से केसेस आ रहे हैं, लोग प्रभावित हो रहे हैं, तो आंखों के संक्रमण, देखिए आजकल वायरल फ्लू के पेशेंट भी काफ़ी आ रहे हैं, बिल्कुल, बेसिकली जो वायरल फ्लू है वो एक वायरल इन्फेक्शन है जी, वो हमारा जो आई का कंजक्टिवा पार्ट होता है उसको अफेक्ट करता है, जिसमें आपका आँख लाल हो जाती है, उसमें इचिंग होती है, इरिटेशन होता है, आई स्वेल हो सकती है, आपका आईलिड स्वेलिंग हो जाती है, और उसमें क्या है आपको बेसिकली ये करना है कि बचाव कैसे किया जाए आई फ्लू, बिल्कुल बहुत ज़रूरी। आई फ्लू का बचाव ये है कि जैसे किसी को आई फ्लू है तो हमको उसको डायरेक्ट टच में नहीं रहना है, आई फ्लू आमने सामने देखने से नहीं होता है, अगर सामने कोई आई फ्लू का पेशेंट बैठा है तो उसको हवा में नहीं फैलेगा, लेकिन जो चीज़ें वो यूज़ कर रहा है, मान लो कोई चश्मा यूज़ कर रहा है स्पेकल्स हैं, मान लो कोई रुमाल यूज़ कर रहा है, मान लो कोई कागज़ यूज़ कर रहा है, मोबाइल है उसका, कपड़े हैं, टावल है, ये चीज़ें हमको टच नहीं करनी जी, क्योंकि उसके वायरस इन चीज़ों में फैल जाते हैं, उसको हम टच करेंगे और फिर हम हाथ लगाएंगे आँख पर मुंह पर तो वो हमें फैल जाएगा, तो ऐसे इससे बचाव किया जा सकता है जी।
इन्फेक्शन संक्रमण से बचाव बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसमें एहतियात बरतने की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा है। इनमें उपचार से ज़्यादा बेहतर है कि हम बचाव करें। जी वो कहते हैं प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर, ये बात निश्चित रूप से इन सारी बीमारियों में खासतौर से सामने आ रही है। डॉक्टर साहब, वायरल फीवर से काफ़ी लोग परेशान हो जाते हैं और ज़्यादातर हम देखते हैं छोटे बच्चे हों या किसी भी उम्र के लोग हों, वयस्क लोग हों, तो उनमें वायरल फीवर काफ़ी हो जाता है, तो इससे बचाव किस तरह से किया जा सकता है? एक्चुअली वायरल फीवर का कोई ऐसा बचाव तो नहीं है कि हम बचाव कर सकें, क्योंकि वायरल फीवर जो होता है वो हवा में फैलता है ड्रॉपलेट से। जी, इसमें सिर्फ ये कर सकते हैं आप कि उससे जिसको वायरल फीवर होगा थोड़ा दिन आइसोलेशन में रखें अलग, ताकि उससे दूसरे को ना फैले। हाँ, जो चिकनगुनिया है, डेंगू है, उसमें आपको मच्छरदानी का यूज़ करें, मॉस्किटो रिपेलेंट लगाएं, पूरी आस्तीन के कपड़े पहने, तब बचाव किया जा सकता है। जी, बच्चों में और बुजुर्ग जो लोग हैं, जो सीनियर सिटीजन हैं, जो वयोवृद्ध हैं, उनको किस तरह से हम खासतौर से बरसात के मौसम में उनके स्वास्थ्य की देखभाल हम किस तरह से रखें और उनकी जीवन शैली खासतौर से उनका जो लाइफ स्टाइल है वो किस तरह का होना चाहिए? आजकल बरसात में मॉर्निंग इवनिंग वॉक तो होती नहीं है, तो योगा करें, मेडिटेशन करें और पौष्टिक पदार्थ खाएं। जी, पौष्टिक फल लें, पौष्टिक सब्जियां लें, पानी खूब पिए और अपने जो भी है, किसी को ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो उसको कंट्रोल रखें, शुगर की बीमारी है तो शुगर कंट्रोल रखें। जी, तो इससे बचा जा सकता है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी डॉक्टर साहब वीक हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है उसको हमें बना के रखना है। अपनी इम्यूनिटी को बना के रखना है। जी डॉक्टर साहब, खान पान पे आपने अभी बताया भी कि खान पान किस तरह का रखें, क्या खाएं क्या ना खाएं, मौसमी सब्जियां भी होती हैं, कई लोग कहते हैं हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं लेकिन कई तरह से हम देखते हैं कुछ लोग अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, तो ऐसे में किस तरह का खान पान रखें, डाइट किस तरह से लें? डाइट थोड़ा थोड़ा लें, एकदम से पूरा ना खाएं, ज़्यादा समय खा सकते हैं, दो बार की बजाय तीन या चार बार खा सकते हैं, लेकिन डाइट में आप फल लीजिए, हरी सब्जी लीजिए, आप शुगर है तो मीठा ना लीजिए, आप ब्लड प्रेशर है तो नमक और तली हुई चीज़ें आप कम खाइए। आजकल बरसात में नॉन वेज नहीं खाना चाहिए जी, उसमें क्या है कि इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं जी, इन सब चीज़ों से बचा सकता है। बिल्कुल, और आपने देखा होगा जो आपकी कार्यशैली है हॉस्पिटल में, किस तरह के मरीज जो हैं वो ज़्यादातर आजकल आ रहे हैं, बरसात के मौसम में आते हैं या मॉनसून का जब मौसम आता है, तो कैसे मरीजों की संख्या, किन बीमारियों में जो कॉमन डिजीजेज हैं जैसे हमने बातचीत भी की, वो ज़्यादा आपको देखने को मिलती है? हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा आजकल जो पेशेंट है वायरल फीवर के हैं जी, डेंगू फीवर के हैं और गैस्ट्रोएंटेराइटिस के हैं, उल्टी दस्त के मरीज ज़्यादा देखने में आ रहे हैं। मलेरिया का केस अभी तक हमारे पास कोई आया नहीं इस बार। जी डॉक्टर साहब, योग और व्यायाम जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो क्या आपको लगता है कि बीमारियों को और खासतौर से रिकवरी की अगर हम बात करें तो इनको करने से रिकवरी ज़्यादा जल्दी हो? बहुत अच्छा है, योगा और मेडिटेशन को जब हम छोटी क्लास में होते हैं तभी से एक शुरू जाना चाहिए, क्लास में एक पाठ्यक्रम होना चाहिए योगा मेडिटेशन का। जी, बचपन से शिक्षा देनी चाहिए योगा की। मैं जब खुद उठता हूँ सुबह, फ्रेश होने के बाद आधा घंटा योगा और मेडिटेशन करता हूँ। जी, मैंने जब एमडी की मेडिसिन की पढ़ाई की थी अपनी जॉली ग्रांट से, तो मेरा टॉपिक भी यही था, इफेक्ट ऑफ मेडिटेशन, बहुत सुंदर डॉक्टर, ऑन प्रिवेंशन ऑफ डिसीज। जी, तो मैंने वहाँ पेशेंट्स को सिखाया भी, हार्ट के पेशेंट को, हाइपरटेंशन के पेशेंट को, डायबिटीज़ के पेशेंट को योगा खुद कराया मैंने, मेडिटेशन मैंने खुद कराया। तो मैंने एक साल की स्टडी में, मेरी थेसिस में मैंने पाया कि बहुत अच्छा इफेक्ट है, उनका ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो गया, शुगर कंट्रोल हो गया, जो चेस्ट पेन होता था उनको उसकी फ्रीक्वेंसी कम हो गई। जी, तो योगा और मेडिटेशन बहुत अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो संचार है, बिल्कुल जब श्वास शुद्ध होगा तो निश्चित रूप से हमारी जब हमारे पूरा जो तंत्रिका तंत्र है ये काफ़ी अच्छे ढंग से कार्य करेगा। डॉक्टर साहब, ये देखने को मिलता है कि अगर व्यवस्थित जीवन शैली है, लाइफ स्टाइल अगर हमारी अच्छी है, तो बहुत सारी बीमारियां, यहाँ तक कि गंभीर बीमारियां जिनसे हम ग्रसित हो सकते हैं उनसे हम बच सकते हैं, उनकी रोकथाम हो सकती है। तो ऐसे में अगर हम नियमित रूप से अच्छी जीवन शैली अपनाएं, उस पर अगर आप कुछ कहें हमारी व्यूअर्स को कि किस तरह से वो अपनी लाइफ स्टाइल को अपनाएं, क्योंकि आज का जो समय है जंक फूड ज़्यादा लोग खाते हैं, व्यायाम कसरत को कई समय भी नहीं मिलता, कई लोग लेट नाइट ड्यूटीज से आते हैं। जी डॉक्टर साहब,
हमको एक तो ये जो स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, तंबाकू खाना, इनको अवॉइड करना चाहिए जी। दूसरा, सेडेंटरी हैबिट्स नहीं होनी चाहिए। बॉडी हमेशा थोड़ा बहुत मूवमेंट करना चाहिए। हम क्या होते हैं, घर से निकले आप कार में, वहाँ जाके कुर्सी में बैठ गए, बिल्कुल पेशेंट देखे, घर आया, खाना खाया, सो गए जी। पहले क्या होता था जमाने में हमारे, जब छोटे थे हम, बिल्कुल, तो स्कूल जाते थे पैदल 2-3 किलोमीटर, फिर वहाँ एक पीटी होती थी 1 घंटे की, बिल्कुल, फिर हम वहाँ से आते थे 2-3 किलोमीटर पैदल, तो इतनी ही एक्सरसाइज काफ़ी आती थी। अब क्या है, अब तो हमारे पास 2-व्हीलर है, 4-व्हीलर है, उससे जाते हैं, उससे आते हैं। पहले हम पोस्ट कार्ड खरीदने पोस्ट ऑफिस जाते थे, वहाँ से आते थे, फिर डालने जाते थे जी, साइकिल चलाते थे, तो ये सब बंद हो गया। हमारी सेडेंटरी हैबिट्स ज़्यादा हो गई हैं जी। जंक फूड हम ज़्यादा खाने लगे हैं, जोमेटो वगैरह, स्विगी वगैरह से मंगा लेते हैं घर पर, बच्चों को देखा मैंने आजकल खाए रहते हैं। अच्छा क्या है कि वो एक्सरसाइज नहीं करेंगे, मोबाइल पर लगे रहेंगे जी, तो वो एक सेंट्री हैबिट्स है, दोनों को नुकसान है, आँखों को भी वो नुकसान है, ब्रेन को भी नुकसान है, बीमारी आती है मानसिक। दूसरा, हर दूसरे को सर्वाइकल हो गया जी, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो गया मोबाइल देख देख के, बिल्कुल, तो इन चीज़ों को हमको अवॉइड करना है जी। और आजकल हम देखते हैं कि ऑनलाइन सब कुछ हो गया, तो ज्यादातर लोग जो है बैठ कर ही स्क्रीन देखते रहते जी, हैं जी, जी। और उन पर प्रभाव पड़ता है, खासतौर से जब बरसात होती है, मॉनसून आता है, जब इम्यून सिस्टम कम हो जाता है, तो उसमें बीमारियां उनको ज्यादा बिल्कुल रूप से प्रभावित करेंगी। तो मेरा कहना यह है कि कम से कम आधा घंटा रोज अपना योगा, मेडिटेशन और एक्सरसाइज के लिए जरूर निकाले आप, अगर स्वस्थ रहना है जी। जी डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, महिलाओं के विषय पर हम बातचीत करेंगे, जो गर्भवती महिलाएं हैं या बरसात में महिलाओं को, क्योंकि ज़्यादातर घर का काम है या बाहर का काम है, कुछ ऑफिस भी जाते हैं, तो उनको मैनेजमेंट काफ़ी करना पड़ता है, मैनेज काफ़ी करना पड़ता है, और उनके स्वास्थ्य की रक्षा ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है कि वो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखें, जिससे वो खासतौर से बरसात के मौसम में जब इस तरह की गंभीर बीमारियां होने की ज़्यादा संभावना है, तो महिलाओं को किस तरह की जीवन शैली खासतौर से बरसात में अपनानी चाहिए। देखिए, महिलाओं के लिए एक तो मैंने वो बताई है आपको, योगा मेडिटेशन जो भी है जी, आपका पौष्टिक खाना बहुत ज़रूरी है, और बासी खाना ना खाएं, बैलेंस डाइट, अच्छी प्रोटीन हो, दूध हो, सब्जी हो, अंडा खाने वाले अंडा खा सकते हैं, आपका प्रोटीन की मात्रा ज़्यादा हो। महिलाओं में आयरन की कमी तो नहीं है, आयरन की, कैल्शियम की कमी, ये लोग देते रहें, और समय समय पर जो है वो, अगर वो गर्भवती हैं तो ऑब्स्टेट्रिशियन से सलाह लेते रहें, और समय पर टीका लगाते रहें, और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहें। जो प्रेग्नेंट महिलाएँ हैं उनके लिए डेंगू से, मलेरिया से, टाइफाइड से, पीलिया से बचाव बहुत ज़रूरी है जी। इसलिए ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी में वैसे ही थोड़ा इम्यूनिटी कम हो जाती है, कम्प्रोमाइज़ हो जाती है बॉडी जी, तो उनको अगर ये डेंगू अगर पीलिया वगैरह होगा, मलेरिया होगा, तो उनको ज़्यादा अफेक्टेड होगा, बिल्कुल। तो हमको क्या होता है, जब प्रेगनेंसी में होती है, कोई पेशेंट प्रेगनेंट है और उसको डेंगू हो गया, तो हमको कई बार उसको एडमिट करना पड़ता है, इसीलिए कि वो हाई रिस्क पेशेंट है, बिल्कुल जी हाँ। तो वो जो है अपना ध्यान रखें, बिल्कुल खास ध्यान रखें। और कैल्शियम की बात होती है कि कुछ लोग कहते हैं महिलाओं को नियमित रूप से कैल्शियम जो है, कैल्सिट्रॉल, या बहुत सारे डॉक्टर्स रिकमेंड भी करते हैं इसको कि लेना चाहिए समय समय पर जी। डॉक्टर साहब, जब डेंगू होता है या कोई भी बीमारी है, तो हम देखते हैं, आम बात है कि लीवर पर काफ़ी असर देखने को मिलता है, मेटाबॉलिक रेट, या हम बात करें कि शरीर की पूरी जो केमिकल प्रक्रिया है वो काफ़ी अव्यवस्थित हो जाती है, इसमें गैस्ट्रिक डिजीजेस है, लीवर की जो समस्या है, डॉक्टर साहब डेंगू से हम किस तरह से बचाव करें? डेंगू जो होता है वो लीवर को अफेक्ट करता है जी, हेपेटाइटिस कर देता है, दैट इज ए टाइप ऑफ वायरल हेपेटाइटिस, उसमें लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से वॉमिटिंग भी होती है, भूख भी बंद हो जाती है। तो जो डायबिटिक नहीं है जी, वो ग्लूकोज का प्रयोग कर सकते हैं, ORS का प्रयोग कर सकते हैं, खान पान में सब्जी लें, फल लें, खिचड़ी, दलिया, हलवा, जूस रस खूब पिएं। डेंगू में पानी खूब पीना चाहिए, पानी इसलिए पीना चाहिए कि पानी की कमी हो जाती है, एक तो फीवर की वजह से जी, दूसरा जो होता है डेंगू में प्लाज्मा लीकेज होता है एक, जिसकी वजह से हाइपोटेंशन हो जाता है, डेंगू शॉक सिंड्रोम होने के चांस आ जाते हैं। तो मेरी भाइयों से सबसे सलाह यही है, बहनों से सबसे सलाह यही है कि डेंगू में पौष्टिक पदार्थ लें और पानी खूब पिएं जी जी, और इसके साथ में शुद्ध जल, गर्म पानी जरूर पिए, उबाल के पिए जी। डॉक्टर साहब, सामान्य रूप से हम देखते हैं कि
कि जो लोग अपनी जीवन शैली को, अपने लाइफ स्टाइल को व्यवस्थित रखते हैं, काफ़ी मादक पदार्थ का प्रयोग नहीं करते हैं, खान पान अच्छा रखते हैं, धूम्रपान नहीं करते हैं, स्मोकिंग नहीं करते हैं, रिकवरी तो ज्यादा जल्दी होती है, तो क्या आपको लगता है कि अगर व्यक्ति संयमित जीवन जिए बिल्कुल तो बीमारियां तो दूर होंगी, इस पर आपका क्या कहना है? और लीवर पर असर किस तरह का पड़ता है इन मादक पदार्थों का? देखिए, चाहे लीवर, चाहे वो स्मोकिंग हो, चाहे तम्बाकू हो, जी दोनों जो आपको हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं बिल्कुल, इसमें जो है हार्ट की डिसीज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आप नॉन वेज ज़्यादा कह रहे खा रहे हैं, अल्कोहल ज़्यादा ले रहे हैं, तो आपका लिपिड्स बढ़ जाएगा, ट्राइग्लिसराइड कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा जी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, लीवर की बीमारियां बढ़ जाएंगी, सिरोसिस हो जाएगा, हेपेटाइटिस हो जाएगा। तो इन सब चीज़ों से हमें बचना है जी, अल्कोहल नहीं लेना है, फैटी चीज़ें अवॉइड करनी है, स्मोकिंग नहीं करनी है, ड्रिंकिंग नहीं करनी है, टोबैको नहीं खाना है। टोबैको कैंसर तो करता ही करता है, तो बाद में करेगा, उससे पहले आपका जो है गैस्ट्राइटिस कर देगा आपको जी, ओरल अल्सर्स कर देगा आपको, तो हमको टोबैको नहीं खाना है जी, स्मोकिंग नहीं करनी बिल्कुल। और ये देखा जाता है जो लोग ऐसी दिनचर्या जीवन शैली को अपनाते हैं तो वेंटिलेटर पर रखने के बावजूद भी वापस बिल्कुल बिल्कुल जी बिल्कुल। कोरोना में ऐसी हुआ जी, कोरोना में जो पेशेंट एल्कोहलिक थे, क्रॉनिक स्मोकर्स थे, उनमें मोर्टिलिटी ज़्यादा देखने को मिली बिल्कुल, इम्यूनिटी कम हो गई थी उनकी जी। ये डॉक्टर साहब, जब हमें सिम्टम्स का पता लग जाए बरसात में, इन खास तौर की जो अभी हमने बीमारियों की चर्चा की इस कार्यक्रम में, तो हमें टेस्ट कब कराने चाहिए, कब हमें लगता है कि टेस्ट हमें कराने चाहिए, और कौन से टेस्ट जो हैं जो मुख्य रूप से हमें कराने चाहिए इन बीमारियों में? इन बीमारियों में वैसे तो देखो, पेशेंट को अगर मान लो फीवर आ रहा है तो घर पर वो पैरासिटामोल की गोली खा सकता है जी, घर पर वो पानी की पट्टी कर सकता है अगर बुखार नहीं उतर रहा है, उसके बाद दूसरे या तीसरे दिन जब भी उसको समय मिलता है वो दिखा लें। कुछ डेंजरस साइंस होते हैं फीवर में, उस समय पेशेंट को जरूर कंसल्ट करना चाहिए, क्वालिफाइड डॉक्टर से कंसल्ट करें जी। अगर मान लो फीवर हो रहा है, उसको सीवियर हेडेक है, वॉमिटिंग हो रहा है, लू इमोशन हो रहा है, ये खून की उल्टी हो रही है, या बहुत लेथार्जिक महसूस कर रहा है जी, या प्रेगनेंसी है, या किसी पेशेंट को डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, हार्ट की बीमारी है बिल्कुल, तो ऐसे पेशेंट को तुरंत अगले दिन जो है क्वालिफाइड डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए जी। और डॉक्टर साहब, सामान्य रूप से जो स्वस्थ लोग हैं उन्हें साल में कब अपना हेल्थ चेकअप कराना चाहिए? वैसे तो काफी जरूरी है, लेकिन एक तय समय अवधि कुछ है जिसमें ये चेकअप कराने चाहिए, और उसमें कौन कौन से टेस्ट मेंशन किए जाएंगे? साल भर में एक बार जरूरी है जी, अपना हीमोग्लोबिन कितना है, अपना ब्लड शुगर कितना है, लिपिड प्रोफाइल कितनी है, लीवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, ये सब मेन मेन टेस्ट हैं। अगर उसको खांसी बुखार वगैरह है तो डॉक्टर के कहने पर प्रिस्क्रिप्शन पे एक्सरे भी करवा सकता है बिल्कुल जी। और ये सूत्र भी है कि फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी, मेंटल फिजिकल हेल्थ अच्छी होगी तो मेंटल हेल्थ अच्छी होगी जी, जी। बिल्कुल, फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, तभी जाकर के तो एक स्वस्थ जीवन शैली बनेगी, फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल हेल्थ बिल्कुल। बहुत ही सुंदर डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, खांसी और दस्त की भी हम बात कर लेते हैं, उल्टी हो जाती है, सामान्य जो लक्षण बरसात में होते हैं जी डॉक्टर साहब। खांसी दस्त, जो खांसी जो है बेसिकली आजकल जो मौसम है ये चूंकि डैम्पनेस ज्यादा है जी, है ना, शीलन आई रहती है जगह जगह, तो पेशेंट जो होते हैं वो एलर्जिक ब्रोंकाइटिस के जाते हैं। एलर्जिक किसी को मान लो दमा है, कोई दमे का पेशेंट है, या कोई सांस का भी सीओपीडी का पेशेंट है, तो उनमें ये खांसी की समस्या बढ़ जाती है जी, डैम्पनेस की वजह से, शीलन की वजह से। तो इसको हमको अवॉइड करना है कि हम शीलन वाली जगह में ना रहें जी। बाकी लूज मोशन से और वॉमिटिंग से ऐसे रुक सकते हैं कि हम अपना पानी साफ पिएं, क्लोरिनेटेड पानी पिएं, फिल्टर का पानी पिएं, उबाल के पिएं, सड़े गले बासी फल ना खाएं, सब्जी ना खाएं, उसको अच्छी तरह धो लें जी। बच्चों और महिलाओं को भी खास तौर से इसमें सावधानी बरतने की आवश्यकता है, बच्चों और महिलाओं को। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए और खास तौर से बरसात के मौसम में किस तरह से स्वास्थ्य की देखभाल करें, इसमें आपने बहुत ही अच्छे सुझाव दिए, सारी बीमारियों के बारे में हमें बताया, आपने हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। तो दर्शकों, ये था आज का हमारा कार्यक्रम, जिसमें आज हमने बरसात के समय आप अपने स्वास्थ्य की देखभाल किस तरह से करें, इस विषय पर चर्चा की। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे कार्यक्रम जरूर पसंद आया होगा। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।